तो ट्रेलर शुरू होता है कबीर सिंह शाहिद कपूर से, जिसके पास है कबीर सिंह वाली बियर्ड, कबीर सिंह वाला डिप्रेशन, कबीर सिंह वाली बाइक, बट कबीर सिंह वाला पैसा और एंगर नहीं है बेचारे के पास। तो ये अपनी बीवी मृणाल को कहता है, सुनो, अरे सुनना, किट्टू का बर्थडे आ रहा है, गिफ्ट देना है उसे। क्या चाहिए उसे? उसको मूवी का टाइटल देना है। क्या? जर्सी। अगर नहीं दी तो डिप्रेशन में बन जाएगा वो जर्सी। पागल है क्या? माना वो मेरी है औलाद, मगर एक चीज होती है औकात, उसमें रह और जाके बिजली का बिल भर दे। अगर शाम को टीवी नहीं चला तो अनुपमा नहीं दे पाऊंगी और दबा दूंगी तेरा गला। ओके बाई। मगर शाहिद अपनी लायबिलिटी से बहुत प्यार करता है, बीवी करती है नहीं ये नहीं पता। अनुपमा देख के अलग दिमाग खराब हो चुका है। सही कह रहे हैं। और शाहिद अपनी लायबिलिटी को कबीर सिंह की बाइक पे ले जाता है क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए, और इस लायबिलिटी को अपनी ही मूवी का टाइटल चाहिए, क्योंकि कबीर सिंह शाहिद ने प्रॉमिस किया है। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, लायबिलिटी को जर्सी दिलाना पड़ेगा, बीवी के बटवे से पैसा चुराना पड़ेगा। मगर बीवी देख लेती है साला घर का बेदी लंका ढाए, मेरा ही पति मेरे पैसे चुराए। और ये इसे कहती है, देश के बेरोजगार, जवानी में चुराया मेरा तूने दिल, अब पैसे चुरा लेगा तो कैसे भरूंगी मैं बिल, चल जा चार पैसे कमा, मैं तो चली देखने अनुपमा। तो कबीर सिंह शाहिद डिप्रेस्ड है कि साला अब डेली पिटता हूँ बीवी से, पहले हिला देता था पवेलियन, जिंदगी भी क्या रंग बदलती है साली कमेलियन। तो शाहिद के पापा कहते हैं, लायबिलिटी एक जमाने में तेरे हाथ विच सी बल्ला, हुन वेक हो गया तू कल्ला, रवि शास्त्री की जगह खाली है, बनेगा आईसीसी का दल्ला। वो ग्राउंड छूट गया सर। छोड़ा नहीं, भागा था तू वहां से। मतलब वहां से भी पैसे चुराए थे इसने, रिपीटेड ऑफेंडर है ये तो, चोर है साले। मगर एक जमाने में कबीर जो एक स्टार फुटबॉल प्लेयर हुआ करता था, तो इस मल्टीवर्स में शाहिद एक स्टार क्रिकेट प्लेयर था। आए हाय दिल बोले हड़िप्पा। और इसकी उस टाइम की चमड़ी मृणाल तब इसकी इज्जत करती थी। अगर ये छक्के पे छक्के मारता, मतलब अगर इसकी जिंदगी का कबीर सिंह आफ्टर इंटरवल नहीं हुआ होता, तो युवराज सिंह से पहले 6 छक्कों का रिकॉर्ड ये तोड़ता। आखिरी बार खुश तभी देखा था मैंने तुझे। पर खुश तो ये अपनी मृणाल के साथ स्टोर रूम में ज्यादा था। लगता है लायबिलिटी ऐसे ही आई। मगर शायद इसको एक और लायबिलिटी चाहिए, तो इसकी बीवी कहती है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो अब कुछ नहीं होने वाला। जब तेरे पास था मौका तब नहीं मारा चौका, ऊपर से एमएलए साहब की विंडशील्ड को ठोका, इसलिए तेरी जिंदगी में डिप्रेशन का हो गया रोका। हाय नी तेरा कुका कुका कुका। बड़ा डिमोटिवेट करती यार इसकी बीवी। पर शाहिद को बस अपनी लायबिलिटी के सामने चाहिए इज्जत, जो इसकी बीवी नहीं देती। मगर जवानी में कबीर सिंह वाली बाइक पे तो इज्जत देती थी, और ये दोनों एसिड रेन में किस कर रहे हैं और लोग भाग रहे हैं, पिघलना नहीं है ना इन्हें। पर अब ये थोड़ा पुट्ठा हो गया, एक लायबिलिटी होने के बाद यार इसका बल्ला नहीं चल रहा। और सिंस मल्टीवर्स कंफर्म हो चुका है, तो चाहे करियर बदल जाए मगर पावर्स तो सेम रहेंगी ना, तो शायद ये दूसरे मल्टीवर्स की कहानी है, जहां ये लोगों को धक्का दे रहा है, मार रहा है, कूट रहा है अपनी प्रीति के लिए। पर जवानी में अगर लड़ोगे तो बुढ़ापे में सड़ोगे। तो इसकी डीमोटिवेटिंग बीवी कहती है, या तो विराट कोहली बनके आईआईटी से थ्रेड्स ले ले, या फिर एक बोरिंग 9 to 5 वाली जॉब ढूंढ के अपने ड्रीम्स की अस्थियां बहा दे, तेरे को मैं चॉइस दे रही हूँ, समझा? और हाँ, अगर विराट कोहली चूज किया तो मैं छोड़ दूंगी तुझे, अब सोच ले जो करना है। ओके बाय। सवाली पूछे क्यों ये सपने ठुकराए, अपनों से ऊपर ना सपने कैसे समझाए, बन सकता था वो होता जो नाम हर गली पर, अपनों के लिए थोड़े सपने को खुद जगूं, डरने लगा हूँ सपने ना देखूं, मिडिल क्लास में
सबकी हूँ आस मैं, उनके लिए जीऊं।